सीधे आपको सीधे से यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो में आना है ये, और यूट्यूब स्टूडियो में से आके ये यहाँ पे देखिए ये सेटिंग का है। मोबाइल में अगर आप कर रहे हो तो मोबाइल में भी आप यहाँ पे आएंगे सेटिंग में, और चैनल सेटिंग है ये। चैनल सेटिंग के बाद यहाँ पे चैनल पे आएंगे आप। चैनल पे आने के बाद में ये आपको यहाँ पे पहले नंबर पे तो ये चैनल के कीवर्ड्स फिल करने हैं कि आपका चैनल ऑलरेडी किस टॉपिक से है ना, किस कैटेगरी से। अगर कैटेगरी और टॉपिक वाला नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग इसी में गड़बड़ करते हैं, क्योंकि उनको अपना टॉपिक नहीं पता होता और वो चैनल के कीवर्ड, जैसे ये इंग्लिश वाला है, ये कम्युनिकेशन स्किल का है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड चैनल पड़े हुए हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसी की हमको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। आप ये एडवांस में आएंगे, यहाँ पे आप डाल दीजिए कि आप ये बच्चों के लिए चैनल बनाते हैं या नहीं। तो ये बार बार आपसे पूछेगा कि आपकी जो वीडियो है मेड फॉर किड्स के नहीं, मेरी वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, तो मैंने परमानेंट यहाँ पे नो कर रखा है ये। यहीं से आप लिंक अकाउंट करेंगे अपने, जितने भी आपको लिंक अकाउंट है। मैंने जब वो सर्वे करा था, सर्वे वाली वीडियो नहीं देखी, तो वो देख लीजिएगा कि आपका एडसेंस अकाउंट लिंक है या नहीं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक्ड है नहीं। मैंने यहाँ पे तीन अकाउंट लिंक कर रखे हैं, आप एक दो जो भी चाहे वो लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका लिंक अकाउंट हो जाएगा एडसेंस का जो भी है। फिर आपको ये अपलोड डिफॉल्ट में जाना है। अपलोड डिफॉल्ट में जाने के बाद फिर यहाँ पे बेसिक इन्फो यहाँ पे आपको भरना है। अगर आप चाहें कि ये वीडियो आपकी जो है उसे छोड़ देंगे वैसे, क्योंकि ये हर बार अलग आपको भरना होती है, क्योंकि वीडियो आपकी अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। एडवांस सेटिंग में आएंगे, एडवांस सेटिंग में नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वीडियो किस लैंग्वेज में है। तो वीडियो आपकी जिस लैंग्वेज में हो वो आप वीडियो लैंग्वेज अपनी भर देंगे। उसके बाद लाइसेंस, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है या क्रिएटिव कॉमन है। मैं क्रिएटिव कॉमन रखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो कोई भी कहीं पर भी यूज कर ले तो मुझे कोई दिक्कत ना हो, तो मैं क्रिएटिव कॉमन रखता हूं। आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो को दूसरा कोई यूज ना करे तो आप रखेंगे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद में अगला है ये कैटेगरी, ये है इंपॉर्टेंट। अब यहां पे आप देखिए, अगर ऑटो व्हीकल्स वाला है तो आप ऑटो व्हीकल्स, कॉमेडी है तो कॉमेडी, पढ़ाते हैं तो एजुकेशन, इंटरटेनमेंट है तो इंटरटेनमेंट, है ना, नॉन प्रॉफिट है, आपके फर्म है, एनजीओ है, तो यहाँ पे ये वाला पीपल ब्लॉग। तो इसको देख के जो सी आपकी कैटेगरी है वो सा आप सिलेक्ट कीजिए। ये मेरा चैनल एजुकेशन का है तो मैंने एजुकेशन यहाँ पे कर रखा है। वीडियो लैंग्वेज मेरी हिंदी है तो मैंने हिंदी कर रखी है। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज आपकी क्या है, वो मेरी इंग्लिश रहती है, तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज इंग्लिश है तो मैं इसको यहाँ से ये इंग्लिश सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर और कोई भी सेटिंग नहीं करना है, इसको सेव कर देना है बस, ये आपका मेन काम है। क्यों? क्योंकि आप देखिए समझिए, अब जो टाइटल और टैग आपको वीडियो में देना है, मतलब आप जो कीवर्ड्स वीडियो में यूज करेंगे वही कीवर्ड्स आपके चैनल पर भी होना जरूरी है। तो क्या होता है कि लोगों को पता होता है, गूगल को पता चलता है, यूट्यूब को पता चलता है कि इनका चैनल किस चीज का है, और वही वही कीवर्ड्स आपकी वीडियो में है, वही कीवर्ड्स आपके चैनल पर है, तो ज्यादा चांसेस है कि आपकी वीडियो जल्दी ग्रो करेगी। तो ये तीन सेटिंग्स थी, इसको इंपॉर्टेंट फिर से आप समझ लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि ये सेटिंग्स आपको जरूर करना है। मैंने देखा है यहाँ पे कैटेगरी गलत सिलेक्ट करे होते हैं, जिसकी वजह से वो सही जगह पे शो नहीं होता है चैनल, क्योंकि कैटेगरी आपकी व्लॉग वाली है ना, पीपल से रिलेटेड है, हाउ टू वाली है, तो पता ही नहीं, म्यूजिक वाली है, एंटरटेन, तो वो इसको पता होता है ना चैनल को कि आपकी कैटेगरी कौन सी, आपका टॉपिक कौन सा है, तो फिर वो उसी को दिखाएगा, ठीक है, उन्हीं उन्हीं लोगों को दिखाएगा, ठीक है। तो बस यही है, इतना आप करिए और आप देखिए कि आपकी वीडियो पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। यही तीन मेन सेटिंग्स थे।